आपने दुनिया के 7 अजूबों के बारे में बहुत बार सुना होगा, पर क्या दुनिया के 7 अजूबे कौन कौन से हैं? आज इस वीडियो में नए 7 अजूबों के बारे में जानते हैं। अब तक हम सुनते आए हैं कि आगरा का ताजमहल 7 अजूबों में से एक है, पर क्या दुनिया के 7 अजूबे 2007 में पूरी तरह बदल चुके हैं? 2000 से 2007 के बीच स्विट्जरलैंड के 7 वंडर्स फाउंडेशन के द्वारा दुनिया के 200 ऐतिहासिक इमारतों को लेकर एक सर्वे कराया गया, और इस सर्वे में 2007 में दुनिया के नए अजूबों की सूची तैयार की गई, जो इस प्रकार है। पहला अजूबा मसीह दर्क, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में पहाड़ी के ऊपर स्थापित 130 फीट ऊंची ईसा मसीह की एक विशाल प्रतिमा है, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा स्टैचू माना जाता है। यह प्रतिमा अपने 5 मीटर आधार सहित 39.6 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी है। इसका वजन 635 टन है। तेजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में 700 मीटर ऊंची पर्वत पर स्थित है, जहां से पूरा शहर दिखाई पड़ता है। यह दुनिया में ईसाई धर्म के प्रतीक के रूप में यह प्रतिमा रियो और ब्राज़ील की एक पहचान बन गई है। यह प्रतिमा कंक्रीट से बनी हुई है और इसका निर्माण 1922 से 1931 के मध्य किया गया है। भारत के गुजरात में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है, जो इससे कहीं अधिक ऊंची है। वहीं हम दूसरे अजूबे ताजमहल की बात करते हैं। ताजमहल आगरा शहर में स्थित है, यह विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में करवाया था। इसकी वास्तुकला तुर्की, फारसी, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का अनोखा सम्मेलन है। यह मुगल वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कलाकृति है। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को में शामिल किया गया है। वहीं अब हम अजूबा नंबर 3 की बात करते हैं। जी, चीन की महान दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कही जाने वाली यह दीवार मिट्टी और पत्थरों से बनी यह एक किलानुमा दीवार है, जिसे चीन के विभिन्न शासकों के द्वारा उत्तरी हमलावरों से बचने के लिए 5 शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16 शताब्दी ईसा पूर्व तक बनाया गया है। यह दीवार 6400 किलोमीटर लंबी है। यह महान दीवार को बनाने में लगभग 20 से 30 लाख लोगों ने अपना जीवन लगा दिया है। यह एकमात्र मानव निर्मित इमारत है जो अंतरिक्ष से देखी जा सकती है। वहीं अब अजूबा नंबर 4 की बात करते हैं। यह मचू पिच्चू दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है। यह पहाड़ी पर स्थित है। मचू पिच्चू का खोया हुआ शहर कहा जाता है। 7 जुलाई 2007 को विश्व के 7 अजूबों में इसे शामिल किया गया है। अब वहीं अजूबा नंबर 5 पेट्रा जॉर्डन के म्यान प्रांत में स्थित यह एक ऐतिहासिक नगरी है, जो अपने पत्थर से तराशी गई इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। इसे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नवातिया ने अपनी राजधानी के तौर पर स्थापित किया था। माना जाता है कि इसका निर्माण 1200 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। पेट्रा को यूनेस्को से विश्व धरोहर होने का दर्जा भी प्राप्त है। अब अजूबा नंबर 6 की बात करते हैं। चिचेन इट्रेजा को कोलंबस पूर्व युग में माया सभ्यता के द्वारा बनाया गया यह एक बड़ा शहर था। यह स्थल वास्तुशैली के विविध रूपों का प्रदर्शन करता है। अजूबा नंबर 7 कलिजियम इटली के रोम नगर के मध्य निर्मित रोमन साम्राज्य की सबसे शानदार कलाकृति है। इसे रोमन साम्राज्य और इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। इसका निर्माण तत्कालीन शासक वेस्पियन ने 70 से 72 ईसा के मध्य प्रारंभ किया और 80 ईसा में सम्राट टाइटस ने पूरा किया है।